यदि आपको भी मेरी तरह आलू पराठा खाना पसंद है ना, तो आप यह पराठा दो की जगह चार जरूर खाएंगे, क्योंकि बेहद टेस्टी होते हैं ये पराठा। और यह आज का स्पेशल ट्रायंगल शेप का पराठा है, जिसमें ना ही आपको आलू मसाला फ्राई करने की जरूरत है, ना ही आपके आलू पराठा फटेंगे, और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी खाना भी आप अपने बच्चों को जरूर नाश्ते में खिलाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको लेना है ताज़ा पालक, इसे हम 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। उबलते हुए गर्म पानी में आपको इसे डालना है और 5 मिनट के लिए उबालें और गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। फिर इसे निकाल के हम ठंडे पानी में डाल देंगे। इस प्रोसेस को ब्लांच प्रोसेस कहते हैं, जिससे पालक का कलर बहुत ही अच्छा आता है। 2 मिनट के लिए हम ठंडे पानी में इसे रखेंगे। इसके बाद हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे। बिना पानी डाले ही इसका हम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही पालक को उबाल लिया है, तो आराम से इसका पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। यदि लगे तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। अब हम एक थाली में 2 कटोरी आटा लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब हमारा जो पालक की प्यूरी हमने तैयार की है वो डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब यदि आपको लगे तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लें। यदि आज की यह रेसिपी देखकर आपने घर पर आलू पराठा ट्राई किया ना, तो मैं गारंटी लेकर बोल सकती हूँ कि आपके सारे पराठे फूले फूले बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पराठे बनेंगे। सारे टिप्स आपको आगे वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। तो यहाँ पर मैंने इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, ताकि हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। दोस्तों, आपने मसाला फ्राई करके आलू पराठा तो हमेशा ही ट्राई किया होगा। क्या आपने कभी बिना मसाला फ्राई किए हुए आलू पराठा बनाया है? यदि अभी नहीं बनाया हो ना, तो आज का यह वीडियो देखकर आप जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और टेस्टी भी होते हैं साथ में। तो उबले हुए आलू को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज को बारीक कट करके, क्योंकि प्याज से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही मैंने हरी धनिया को बारीक कट करके डाला है। साथ में कुछ मसाले डालेंगे, जैसे थोड़ा सा जीरा, हल्दी, अमचूर पाउडर, जो चटपटा बनाएगा हमारे पराठों को। साथ ही हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैंने थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग डाला है, जो हमारे पराठे को बेहद टेस्टी बनाते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, हो तो डालें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है, लेकिन हमारी स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हमारा जो आटा है उसे हम अच्छी तरह से मसल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट आटा हमारा बन हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, छोटे छोटे से बाउल बनाना है इसके, और अब हम सूखा आटा लगाकर इसकी रोटी बेल लेते हैं। जिस तरह से हम आलू पराठा बनाते हैं ना, वैसे ही उतनी ही पतली आपको रोटी इसकी बेलकर तैयार करना है। तो अब हम बीच में डालेंगे हमारा आलू का स्टफिंग। इसे हम फैलाएंगे ट्रायंगल शेप में, क्योंकि आज के हम पराठे ट्रायंगल शेप में बनाने वाले हैं, जो थोड़े यूनिक दिखेंगे और कलरफुल होने के साथ साथ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि गोल पराठे तो हम हमेशा ही बनाते हैं और ट्रायंगल पराठे फुल भी अच्छे से जाते हैं। इससे पहले मैंने अभी पालक पनीर पराठा का वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने स्क्वेयर शेप का पराठा शेयर किया है, वो भी बेहद टेस्टी बना था और वो पराठे बहुत ही अच्छी तरह से फुलते। आप चाहें तो स्क्वेयर शेप का पराठा भी आलू का बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब सूखा आटा लगाकर हम इसे हल्का सा बेल लेंगे। आराम से बेल जाता है, कहीं भी चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमारा आलू का मसाला ज़्यादा चिपचिपा नहीं है। तो अब हम गर्म तवे पर गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं और हमारे पराठे को हम सेक लेंगे। जब पराठा डालने के बाद 1 मिनट हो जाए, उसके बाद आपको ऑयल लगाना है। और इसे अब हम अलग प्लेट करके हाई फ्लेम पर ही सेकेंगे, क्योंकि पराठे मोस्टली हाई फ्लेम पर ही सेके जाते हैं, तभी यह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, अच्छी तरह से फूलते भी हैं। यदि आप लो फ्लेम पर सेकेंगे ना, तो आपके पराठे नहीं फूलेंगे। यदि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाए तवा, तो आप थोड़ा सा मीडियम इसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से दबा दबा कर हम अच्छी तरह से तीनों तरफ से हमारे पराठे को सेक लेंगे। तो यह हमारा फूला फूला आलू का पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे पराठे बनाएंगे। सच में बेहद टेस्टी लगता है, आलू के पराठे तो वैसे भी टेस्टी होते हैं, और इसमें हमने थोड़ा सा ट्विस्ट भी दिया है, जिससे और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी पराठे बनकर तैयार होते हैं। आप चाहें तो इसे किसी भी सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने बनाई थी पालक पनीर पराठा के साथ सूंधी खुशबू वाली चटनी, तो वही बच गई थी, तो मैंने उसी के साथ इसे सर्व किया था। तो इसका लिंक मैं आपको एंड में दे दूंगी, जहां से आप पालक पनीर पराठा और इस चटनी बनाने की रेसिपी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पराठा में कितनी अच्छी तरह से आलू स्टफ्ड हुआ है। तो यदि आपको यह पराठा हमारा बनाने का थोड़ा सा भी तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस तरह के यूनिक आइडियाज़ मिलते रहें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।